हेलो गाइस, दिस इज सूर्या। जावा ट्यूटोरियल की सीरीज में आज हम जावा के एक इम्पॉर्टेंट फीचर की बात करेंगे, ओपन सोर्स। ये जावा का एक ऐसा फीचर है जिसके वजह से आज जावा सबसे ज़्यादा यूज होने वाली टेक्नोलॉजीज बन चुकी है। दोस्तों, जावा प्रोग्रामिंग के साथ साथ ऐसे बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं, जैसे अगर हम PHP की बात करें तो वो भी ओपन सोर्स है। हम एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म की बात करें तो वो भी ओपन सोर्स हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है। उसी तरह से लिनक्स कर्नल भी हमारा ओपन सोर्स ही है। तो ऐसे बहुत सारी ओपन सोर्स टेक्नोलॉजीज एंड लैंग्वेजेस हैं जो बिल्कुल जावा की तरह हैं और वो बहुत ही ज़्यादा यूज होती हैं। आप एंड्रॉयड को तो जान ही रहे हो, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आज के टाइम पे हर बंदा, हर एक छोटा सा आदमी, कह सकते हो आप एक लेमैन भी इसे जानता है और इसे यूज करता है। अगर हम वहीं PHP या वहीं पर लिनक्स की बात करें तो वो भी एक ऐसी टेक्नोलॉजीज बन चुकी हैं, एक ऐसा कह सकते हो लैंग्वेज है। PHP तो एक लैंग्वेज है और लिनक्स हमारा एक कर्नल है जो कि सबसे ज़्यादा यूज होने वाली कंसेप्ट हैं, यूज होने वाली टेक्नोलॉजीज हैं। तो अगर हम वहीं बात करें .NET की, तो .NET हमारा कोई भी ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी नहीं है, ये एक पेड फ्रेमवर्क है, राइट। तो उसी तरह से जावा भी हमारी एक ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी है, एक ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो जावा को हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ साथ टेक्नोलॉजी या प्लेटफॉर्म भी बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास जावा एक ओपन सोर्स लैंग्वेज है, तो इसका क्या मीनिंग है, या ओपन सोर्स कोई भी लैंग्वेज होती है तो उसका क्या मतलब होता है। अगर कोई टेक्नोलॉजी ओपन सोर्स है तो उसका क्या फायदा है, ये मैं आपको इस ट्यूटोरियल में बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि ओपन सोर्स का क्या मतलब होता है एग्जैक्टली। देखिए, सबसे पहला आप बोल सकते हो कि फीचर अगर ओपन सोर्स का होता है तो वो होता है कि सोर्स कोड इज ओपन, यानी कि कोई भी टेक्नोलॉजी, कोई भी लैंग्वेज अगर ओपन सोर्स है तो इसका मतलब ये हो गया, वो लैंग्वेज या वो टेक्नोलॉजी जब भी बनाई गई होगी, जिस चीज का भी यूज करके बनाई गई होगी, तो कहीं ना कहीं उनका कोडिंग करा गया होगा। तो उनका जो कोड होगा, यानी कि उनका सोर्स कोड जिसमें वो लिखे गए हैं, जिसके अंदर वो बनाए गए हैं, वो हमारा ओपन होता है। यानी कि कोई भी उनका सोर्स कोड देख सकता है, रीड कर सकता है, और उस सोर्स कोड को रीड करके अपने उस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी के डेप्थ में अंडरस्टैंड कर सकता है कि बेसिकली इस टेक्नोलॉजी में क्या क्या चीजें हैं और ये कंसेप्ट कैसे कैसे यूज हो रहा है। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं, लिनक्स कर्नल एक ओपन सोर्स कर्नल है। उस कर्नल को रीड करके हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट वेंडर्स ने डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप कर दिया, जैसे एंड्रॉयड, जैसे अबंटू, जैसे रेड हैट, जैसे फेडोरा, बैकट्रैक, एनोनिमस, काली, ऐसे बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं जो लिनक्स कर्नल को रीड करके डेवलप करे गए, जस्ट बिकॉज ऑफ ओपन सोर्स। क्योंकि अगर वो ओपन सोर्स नहीं होता तो उसके उन सोर्स कोड को जिनके अंदर वो डेवलप करे गए हैं, जिनके अंदर वो बनाए गए हैं, उनको कोई भी रीड नहीं कर पाता और इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप नहीं कर पाता। तो कहने का मतलब ये हो गया, लिनक्स कर्नल ओपन सोर्स होने की वजह से इसके डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास क्या हो गई, इंप्लीमेंटेशंस हो गए, डिफरेंट डिफरेंट OS हो गया। इन द सेम सिनेरियो अगर हम जावा की बात करें तो जावा भी हमारी एक ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी है, ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जावा का जो भी जो सोर्स कोड होता है वो जावा के क्रिएटर ने हमें फ्री ऑफ कॉस्ट ओपनली दे दिया कि आप इसको रीड करिए और टेक्नोलॉजी का डेप्थ स्टडी करिए, उसके बाद इस टेक्नोलॉजी को स्टडी करके आप अपने अकॉर्डिंगली नई टेक्नोलॉजीज, नए फ्रेमवर्क भी डेवलप कर सकते हो। बिल्कुल, आप जावा को रीड करके, जावा के सोर्स कोड को इजी अंडरस्टैंड करके आप एक नया चीज, नया टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकते हो। जो जावा का सोर्स कोड है वो बेसिकली कहाँ पाया जाता है, ये मैं आपको बताता हूँ। आप जब अपने सॉफ्टवेयर को, यानी कि JDK को इंस्टॉल करोगे, तो JDK बेसिकली इंस्टॉल होता है हमारे बाय डिफॉल्ट सी ड्राइव के अंदर, प्रोग्राम फाइल नाम का एक फोल्डर होता है, उसके अंदर जावा और उसके अंदर JDK के अंदर आप जाएंगे तो वहां पे आपको src.zip करके फाइल मिलेगी, एक फोल्डर मिलेगा, वहां पे हमारे पास जावा का सारा सोर्स कोड अवेलेबल होगा। इसका मतलब ये हो गया कि जावा का सारा सोर्स कोड कहां होता है, बेसिकली src.zip में, और src.zip से आप जावा के सारे सोर्स कोड को रीड करके और अपने हिसाब से नई चीज डेवलप कर सकते हो। ये तो मैंने आपको जावा का मतलब बताया। ऐसे कोई भी टेक्नोलॉजी अगर ओपन सोर्स है तो अपना सोर्स कोड फ्री ऑफ कॉस्ट देती है, यानी कि सोर्स कोड इज ओपन। इसका मतलब अगर कोई भी टेक्नोलॉजी, कोई भी लैंग्वेज ओपन सोर्स है तो उसका सबसे बड़ा फायदा होता है कि उसका सोर्स कोड फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, कोई भी उसके सोर्स कोड को रीड कर सकता है, ठीक है। जो ओपन सोर्स नहीं होती है वो अपना सोर्स कोड नहीं दिखाती है, ठीक है, सबसे पहला फायदा। दूसरा, अब ओपन सोर्स का सबसे बड़ा फायदा होता है कि सॉफ्टवेयर हमारा फ्री लाइसेंस होता है। जैसे
JDK, Eclipse, Apache, Tomcat, MySQL, ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर की हम बात करें जावा स्पेसिफिक जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। इसका मतलब ये हो गया जो भी टेक्नोलॉजी ओपन सोर्स होती है उन टेक्नोलॉजीज के अंदर डेवलप, अगर आप कोई प्रोजेक्ट डेवलपमेंट करना चाहते हो तो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के लिए उसके स्पेसिफिक जितने भी सॉफ्टवेयर हैं द सॉफ्टवेयर आर फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि उन सॉफ्टवेयर के लिए आपको एक भी रुपया देने की जरूरत नहीं है। तो जावा का JDK, Eclipse, Apache, Tomcat, MySQL सर्वर, ये सब कुछ ओपन सोर्स है यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, इनको लेने के लिए आपको पैसा नहीं देना है। आपने कहा सर अगर पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को हमने फ्री ऑफ कॉस्ट हम यूज कर रहे हैं तो उसका फायदा क्या होगा। अगर आप सॉफ्टवेयर फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर रहे हो तो जो उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट डेवलप करने के लिए आपने उस सॉफ्टवेयर को यूज करा है उसकी डेवलपमेंट कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी। इसका मतलब ये हो गया कि अगर किसी भी टेक्नोलॉजी के अंदर ओपन सोर्स फीचर है तो उसका सॉफ्टवेयर फ्री होगा, और अगर उस फ्री सॉफ्टवेयर का यूज करके आपने डेवलपमेंट करी हुई है तो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी। दोस्तों जब कभी भी एक प्रोजेक्ट डेवलप होता है, एक सॉफ्टवेयर बनता है, तो हर सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए कहीं ना कहीं उस सॉफ्टवेयर का कॉस्ट एस्टिमेशन होता है। कॉस्ट एस्टिमेशन दो तरह से होता है, एक रिसोर्सेज और दूसरा इंफ्रा। रिसोर्सेज और इंफ्रा का क्या मतलब हुआ, इंफ्रा मतलब ये हो गया कि एक सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए कंपनी ने कितने एसी, कितने फैन या कितने डेवलपर्स उसके अंदर इन्वॉल्व थे, ये हो गया आपकी इंफ्रा। रिसोर्सेज का मतलब ये हो गया कि उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए आपने कौन सा हार्डवेयर यूज करा था, कोई कौन कौन से सॉफ्टवेयर उसमें यूज करा था, ये सारी चीजें उस पर्टिकुलर कह सकते हो कि प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में इन्वॉल्व जाती हैं। यानी कि रिसोर्सेज मतलब उसमें OS भी इन्वॉल्व होता है, उसके अंदर सर्वर भी इन्वॉल्व होता है, उसके अंदर IDE भी इन्वॉल्व होती है। अगर आप किसी टेक्नोलॉजी के अंदर ओपन सोर्स सारे सॉफ्टवेयर पा जाओगे तो जाहिर सी बात है उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के लिए आपको एक भी रुपया देने की जरूरत नहीं है। यानी कि इसका मतलब यह हो गया कि वो सॉफ्टवेयर जिस भी पर्टिकुलर टेक्नोलॉजीज में डेवलप करी गई है उस टेक्नोलॉजी की स्पेसिफिक सारी चीजें फ्री थी, तो इसका मतलब आपने एक भी रुपया नहीं दिया। तो अब उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का जब कॉस्ट एस्टिमेशन होगा तो उस कॉस्ट एस्टिमेशन में डेवलपमेंट कॉस्ट कम से कम आएगा। जैसे आप PHP की बात करो, जैसे आप जावा की बात करो, तो इनके अंदर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट कॉस्ट कम से कम होते हैं। वहीं अगर आप .NET की बात करोगे तो वहां पे उनके प्रोजेक्ट डेवलपमेंट कॉस्ट ज्यादा होते हैं क्योंकि वो ओपन सोर्स नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके सारे सॉफ्टवेयर फ्री लाइसेंस नहीं, उनको हर सॉफ्टवेयर को यूज करने के लिए, जैसे उनका विंडोज भी फ्री है, सॉरी पेड है, यानी कि विंडोज सॉफ्टवेयर जो वो यूज करेंगे उसी के अंदर वो उनका डेवलपमेंट होगा, तो उनको उस विंडोज को यूज करने के लिए पैसा देना पड़ेगा। उनका सर्वर बेसिकली होता है IIS और उनका जो डेटाबेस होता है SQL सर्वर होता है, तो उनका SQL सर्वर और उनका IIS जो सर्वर होता है और उनका SQL सर्वर डेटाबेस होता है, ये दोनों चीजें पेड होती हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि इन चीजों को लेने के लिए, इन चीजों को यूज करने के लिए उन्होंने कहीं ना कहीं पैसा दिया होगा। तो जाहिर सी बात है जब वो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट करेंगे तो उन सारे प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के कॉस्ट में वो सारी कॉस्ट इंक्लूड करेंगे, तो जिससे उनका प्रोजेक्ट डेवलपमेंट कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा फायदा होता है ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी का कि इनके अंदर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट कम से कम पैसे में। आप एंड्रॉइड की बात करो आज के टाइम पे, एक छोटी सी ऐप अगर आपको डेवलप करनी है तो छोटी सी छोटी ऐप को डेवलप करने के लिए ऐसा नहीं है कि आपको ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। अगर आप एक हेलो वर्ल्ड का भी प्रोग्राम बनाना चाहते हो तो फ्री ऑफ कॉस्ट डेवलप कर सकते हो क्योंकि इसका हर सॉफ्टवेयर फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहीं पे अगर आप एप्पल की बात करो, iOS की बात करो, तो iOS के ऊपर जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होता है उसके हेलो प्रोग्राम को भी चलाने में 1,00,000 रुपया लग सकता है क्योंकि उनके हर सॉफ्टवेयर को आपको खरीदना पड़ेगा, उनका हर डिवाइस, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी पेड। ठीक है, तो ये फायदा होता है एक ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी का कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कॉस्ट कम से कम हो जाती है। और इसके अलावा अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी ओपन सोर्स है तो टेक्नोलॉजी इज गोइंग टू बिकम वास्ट। इसका मतलब ये हो गया टेक्नोलॉजी इंडलेस हो गई, उसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन हर वेंडर अपने अपने अकॉर्डिंगली कर सकता है। अगर हम जावा की बात करें तो जावा के अंदर ऐसे हजारों फ्रेमवर्क्स हैं, ऐसे हजारों इम्प्लीमेंटेशन, हजारों लाखों APIs हैं जिन API को सन माइक्रोसिस्टम ने नहीं बनाया, जिसको जेम्स कॉस्ली ने बनाया, उसको थर्ड पार्टी ने डेवलप करा। जैसे आप हाइबरनेट की बात करो, स्टर्स की बात करो, स्प्रिंग की बात करो, तो ये जितने भी फ्रेमवर्क हैं, सर्वलेट की बात करो, ये सब API और ये सारे फ्रेमवर्क थर्ड पार्टी इम्प्लीमेंटेशंस हैं। और ये तो आप नाम जानते हो, इनके अलावा ऐसे हजारों चीजें हैं जो जावा की API को ही रीड करके, जावा के कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट करके नई नई चीजें डेवलप हो जाती हैं। टेस्टिंग के लिए सेलेनियम टूल डेवलप हो चुका है और जावा स्पेसिफिक हजारों जैसे प्ले फ्रेमवर्क आ चुका है मार्केट में, ऐसी बहुत सारी चीजें आ चुकी हैं जो थर्ड पार्टी इम्प्लीमेंटेशंस हैं। तो
थर्ड पार्टी अपने हिसाब से इम्प्लीमेंट करती है और टेक्नोलॉजी के अंदर कह सकते हो कि एक वास्टनेस आ जाती है, टेक्नोलॉजी बहुत वास्ट जाती है और आप कोई भी बंदा इसके अंदर फ्री हो जाता है नई चीज नए कंसेप्ट इंप्लीमेंट करके और उसके अंदर टेक्नोलॉजी में एड ऑन कर सकता है। इसके अलावा आप कोई भी API कहीं से भी लेके आओ और इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी में इंटीग्रेट, anyone can develop the new API and integrate with the Java। कोई भी बंदा नया API डेवलप कर सकता है और जावा के अंदर उसे इंटीग्रेट कर सकता है। तो ये सारी चीजें ओपन सोर्स में आती हैं। गाइस अ बिग थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। फॉर मोर वीडियोज प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। टेक केयर ऑफ यू एंड योर फैमिली। थैंक यू।